मैं सत्स्वामन बिहार हूँ। हाँ जी, थाने में ज्यादा इंटरफेरेंस मत करना, 384 का ऐसा पर्चा दूंगा या फिर मेला। हाँ, अब तुम्हारा एमएलए बैठ बनने का भी। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए जनता को पुलिस की आंख और कान बनने की अपील करती है, वहीं दूसरी तरफ बाहरी दिल्ली के अमन विहार थाने में पुलिस की ये तमाम दलीलें उल्टी पड़ती दिख रही हैं। थाने के एसएचओ की दबंगई का खुलासा कर रही है कुछ कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें एसएचओ आम नागरिक को डरा धमका रहे हैं। साथ ही भद्दी गालियां और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी शर्मनाक तरीके से कर रहे हैं। थाने में ज्यादा इंटरफेरेंस मत करना, 384 का ऐसा पर्चा दूंगा या फिर मिला। नहीं सर, एक बार के टाइम में सुन ले, अरे सुन ना सर। हाँ जी सुनो। आज के टाइम में मेरे थाने के एरिया में एक पर्ची को इनकार नहीं रहा है, मिल लेना तो एक बार, मैं मिल तो ले कम से कम। तो मैं कह तो रहा था सर, बताओ थाने आ जाता हूँ कल। यार थाने में चेक रहेगा, थाने में कोई पुलिस वाला देख लेगा, तेरी टांग उड़ तोड़ेगा वहाँ। मेरे को मिलना है अकेले, मैं तो पुलिस वाले के खिलाफ हूँ। चलो ठीक है सर, अकेले कल फोन करता हूँ सर आपको, जहाँ मर्जी मिल लेना। आप कहाँ है बताना, मैं आ जाता हूँ। अभी मैं किसी के साथ आया हूँ, रिश्तेदार आया हूँ कोई मेरे साथ। कहाँ पर आया रिश्तेदार? घर पे। घर कहाँ? यहीं सुल्तानपुरी में, एच ब्लॉक में, एच वन में। हाँ जी, तो वहीं आ जाता हूँ मैं, घर पे आ जाता हूँ। घर को तो देख लूंगी, बाद में डिस्कस करा। देख लो जी, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एच वन कितना है? एच वन 251 है सर। एच वन 251, चलो मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं मिल मेरे से। ठीक है सर। सर सुल्तानपुरी में पड़ता है कि इसमें अमन विहार में? सुल्तानपुरी में पड़ता है सर। अच्छा, चलो एक बार मेरे को, मैं एक बार तेरे मिलना चाहता हूँ यार। मिल लो सर। जानता ना मेरा सूर्य प्रकाश? हाँ जी जानता हूँ। कितना जानता है मेरे को? है मुझे कितना जानते हो आप? सर थाने में भी मिल के गए आपसे आगे ने? थाने में भी मिले थे। वो तीन चार लड़कों के साथ आया था जब, उन्हीं में समझे ना इसको। तीन चार लड़कों के साथ? अकेला कब मिला था मेरे से? सर वो बच्चे का मैटर नहीं चल रहा था। कौन सा बच्चे का? वो जो प्रेमनगर चौकी के एरिया के अंदर। अच्छा, जो जिस लड़के ने फांसी खाई थी? हाँ, जिस लड़के ने फांसी खाई थी। हाँ जी। और यार उसमें सारे बैंड थे, तू उनके साथ कहाँ गया? थाने में आया था सर आपके पास ही। हाँ, वो दो तीन काली काली सी गिरवानी थी बैंड। ना ना, थाने में आया था सर मैं, बाद में एक बार आया था जब आप बात भी कर रहे थे, वो भरत भी था उसके अंदर। हाँ, और वो तुम्हारा एमएलए बैंड बनगी का भी बड़ा कुत्ते का बच्चा। तो एमएलए से थोड़ी मतलब है सर हमारा कुछ भी, हमारा कौन है एमएलए? आप पैसे मांग रहा था हमसे? अरे वो भी पैसे मांग रहा था। बता तो रहे थे सर थाने में आप बैठ के कि मीटिंग मेरे को गालियां, बस ये कह रहा था कि ये कर दे वो कर दे। तो मैं तो आपकी बात मेरी सुन भाई, अरे सुन मेरी सुन। हाँ जी सर, मैं सत्स्वामन बिहार हूँ और सुल्तानपुरी में राउंड 1.5 साल, सुन ले पहले मेरी बात। हाँ जी। और मेरे एरिया में कोई बहन तो बात कर नहीं सकता, कटोरी हो चाहे चोर हो चाहे कोई हो, जो मेरे हस्ते चढ़ गया उसकी है जी बहन टिका के चोरता हूँ, याद रखने लायक। ये मेरी अपनी स्टाइल है। हाँ जी, आपको पता ना मैंने 2 MLA जो है वो छठ पूजा वाले दिन हवालात दिए थे, 2 रात हवालात हैं। नहीं जी, मेरे को नहीं पता इस बात का। वो पता लगता है ना कि अखबार उखबार पढ़ा करो ढंग से। इस ऑडियो को हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते। इस ऑडियो में जो आवाज आप गालियां और धमकियां देते हुए सुन रहे हैं, वो आवाज दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर की है। इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश बहरहाल बाहरी दिल्ली के अमन विहार थाने में बतौर SHO तैनात हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर रहते हुए इनकी भाषा और धमकाने वाला ये अंदाज वाकई हैरान करता है। इस वक्त हम खड़े हैं बाहरी दिल्ली के अमन विहार थाने पे, जहां के SHO का एक कॉल रिकॉर्ड सामने आया है, जिस कॉल रिकॉर्ड में वो ना सिर्फ विधायक को जब बल्कि महिलाओं के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए सुने जा सकते हैं। कंप्लेनेंट को ये धमका रहे हैं कि फलानी फलानी धाराओं में मैं तुम्हें केस डालकर और अंदर कर दूंगा, और धमकाते हुए गाली बकते हुए और तमाम तरह की बातें करते हुए उनका जो ऑडियो टेप आया है उस पर बात करने के लिए हमसे वो शख्स मौजूद है यहाँ पे, जिनके पास ये धमकी भरी कॉल SHO की गई थी। इस तरह की धमकी आपको मिली है SHO की तरफ से उसके जी? बारे में क्यों आपको ये इन मैं इस एरिए की अपने एरिए की शिकायत करता रहता हूँ। इन पुलिस वालों के डर के मारे मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैंने इन सट्टे वालों की शिकायत करना नहीं छोड़ी। इस बात से नाराज होके या किसी कारण से SHO साहब ने मेरे को 29 तारीख को कॉल करके ये सारी बातें करी, वो रिकॉर्डिंग में,
ऑल अफसरों को। रिकॉर्डिंग में ये भी आवाज आ रही है कि ना तो वो आपको थाने पे बुला रहे हैं और ना आपसे आपके घर पे मिलने की बात, वो कह रहे हैं कि कहीं अलग मिलूंगा और अकेले मिलूंगा, ऐसा क्यों जी? ये तो जी वही जानते हैं जी, मेरे को नहीं पता इसके बारे में वो किस लिए अलग मिलने के लिए कह रहे हैं। आप शिकायत करते रहे तो इसकी वजह से आपको धमकी भी दी गई कि तुम्हें फलानी धाराओं में अंदर कर दूंगा, मतलब विसिल ब्लोअर को धमकी दी जा रही है? तो वो तो जी खुला खुला धमकी दी जा रही है जी, एरिया की इंटरफेयर मत कर, ये काम तो हो ही रहा है जी, दुनिया को पता है, अब जो शिकायत करता है जी उसको तो धमकी दी जाती है। संजय जी, आप अपने इलाके में जुए सट्टे या नशे के कारोबार के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, अब आप क्या सोचते हैं, आपको क्या डर लग रहा है कि अब आगे से आप किसको शिकायत करेंगे जब पुलिस ही आपको इस तरह से धमका रही है? डायरेक्ट आला अफसर कहते हैं पहले SHO से मिलो, बीट वालों से मिलो, SCP से मिलो, सबसे मिल चुका हूँ जी, कोई भी सुनवाई नहीं करता, ये सारा मामला इनकी देख रेख में ही चलता है। आपका आरोप है कि खुद SHO आपके पीछे लगे हुए हैं और वो आपको धमका रहे हैं, वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? वजह जी इन लोगों ने, सट्टे वालों ने, ड्रग्स वालों ने, या तो इनको मोटा पैसा दिया मेरे को धमकाने के लिए, कोई ना कोई तो वजह होगी, क्योंकि पुलिस वाले तो जी इंटरफेयर करते हैं मेरे से, कहते हैं सेटिंग कर लो, काफ़ी रिकॉर्डिंग है मेरी उनके पास, कहते हैं हमारे एरिया से सेटिंग कर लो, पैसा ले लो, और ये साफ साफ बोल दें कि आप पैसा लेते हो, ये साबित कर दें मैंने अगर कहीं से भी पैसा लिया हो। महिलाओं को गंदी गंदी गालियां, क्षेत्र के पूर्व विधायक को भी गालियां। और वो तुम्हारा MLA वंगी का भी बड़ा कुत्ते का बच्चा, और यार उसमें सारे बैंडों के लोग। नशे के अवैध कारोबार का खुलासा करने वाले पर ही मुकदमे की धमकी, ये तेवर हैं SHO अमन विहार के। हमने बात की संजय नाम के इस शख्स से, जिसने विस्तार में बताया कि ये धमकी भरे फोन कॉल्स उसे SHO अमन विहार ने आखिर क्यों किया। बाहरी दिल्ली के अमन विहार क्षेत्र में जुआ सट्टा और नशे का अवैध कारोबार जोरों पर है। इस वीडियो में हम आपको स्मैक की खरीद फरोख्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तमाम सबूत पुलिस को भी मुहैया कराए जा चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि पुलिस इन दोषियों के खिलाफ दबिश बढ़ाने की बजाय शिकायतकर्ता को ही फांसने में लगी है। कैमरे के सामने पूरे रौब के साथ खुद SHO अमन विहार ने स्वीकार कर लिया कि ये ऑडियो उन्हीं की है और ये शब्द भी उन्होंने ही कहे हैं। हम करते हैं सारे काम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, तो हमें ना प्रेस वालों से डर लगता है। बोल दिया भाई गुस्से में, हो भी सकता है, आई नेवर डिनाई, उसको तो नहीं बोला मैंने, नाम महिलाओं का नाम दे लिया क्योंकि वो भी मुझे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, विधायक कौन से थे जिनको आप गाली दे रहे थे? उन विधायक, आपने कहा था ना उन विधायकों को मैंने अंदर किया है। हमने तो ऐसा बोला, आपने कहा था कि छठ पूजा के समय मैंने दो विधायकों को, दो दिन के लिए कानून के सामने हम किसी को नहीं छोड़ा। उसमें गाली थी ना सर? अरे नहीं, इनको गाली नहीं दी है, क्या बात कर रहे हो? ऑडियो सुन रहे हो? नहीं नहीं, किसको दिया है? हाँ जी, इसलिए मैंने सार्वजनिक नहीं करा अपना चेहरा कि बाकी का, ये खुद मेरा अगर चेहरा सार्वजनिक हो जाएगा तो सट्टे वालों से मेरे को काफी डर है, ड्रग्स माफियों से डर है, ये काफी बार बोल भी चुके हैं अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो अपने व्हाट्सएप पे फोटो लगा अपनी, तो जी मैं इसलिए मैंने अपना चेहरा सार्वजनिक नहीं करना चाहता। तो निश्चित तौर पर संजय काफी डरे हुए हैं इस बात से कि एक थाने के SHO उसे कॉल करके बकायदा धमकी दे रहे हैं कानूनी कार्रवाई करने की, झूठा केस लगाने की। तो अगर इस तरह की स्थिति होगी तो एक आम नागरिक जो कि अपने इलाके में चल रही गलत चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाता है वह किस तरह से रहेगा, ये भी एक सोचने की बात है। दिल्ली दर्पण ने आज इस स्टोरी को एक्सपोज किया है, यहाँ के SHO ने, जिनकी आवाज़ आप क्लियर क्लियर सुन सकते हैं, हमने जो ऑडियो टेप जारी करी है वो एक कॉल रिकॉर्ड है, वो आप साफ साफ सुन सकते हैं। तो किस तरह की स्थिति और इस पे आला अधिकारी संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं, कार्रवाई कुछ होती है या नहीं होती है SHO के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। लोकेश कुमार के साथ दिल्ली दर्पण TV के लिए मैं अभिजीत ठाकुर।